लिए इंडिया से क्या लेके आओगे? उम्मीद है। बहुत हरामी लौंडा है ये भाई। यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो इंडिया जा रहे हैं पता नहीं जाके उधर ही रह जाए, नहीं आए तो इससे कंफर्म कर रहे आओगे ना। ये सारे लोग अभी साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, इनका टीम लेके जा रहे हैं, घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि बाल थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था यार मैंने। Hey guys, तो कैसे हैं आप लोग? Hope so you guys are doing great. और स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में इसलिए भी उठा हूँ, आज है सैटरडे तो आज जल्दी थोड़ा उठा हूँ क्योंकि आज कोई कहीं जा रहा है, उसका बैकपैक इधर रेडी है और ये खुद इधर रेडी हो रहा है। भाई कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हो? नहीं, ये सब छोड़ के जा रहे हैं, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करोगे? ये बंदा जा रहा है ससुराल, देख रहे हो तैयार जो हुआ है जिस हिसाब से, ससुराल वाला ही लुक है तुम्हारा। रेडी है? चलो। अरे मजदूरी का वीडियो डालो क्या? आगे बढ़ो। चलो भाई, ग्रीन हुआ वहां है। आप खुशी है भाई तुम्हारा? भागो गई ग्रीन ब्लू आज कुछ नहीं दिखेगा तुमको। एक्चुअली ये शर्मा जा रहा है इंडिया, इंडिया जा रहा है अपने ससुराल। भाई ससुराल ही जा रहे हो ना? घर जाते हैं। घर जा रहे हो? तो वो घर जा रहा है वेकेशन के लिए, अपने लिए लड़की देखने जा रहा है। तो अभी वेकेशन में घर जा रहा है तो अपने लिए लड़की भी देखेगा। छोटा हो तुम बड़े हो भाई, इतने दिन के लिए जा रहा है और अभी दिवाली है तो इसलिए इस टाइम पे जा रहा है। अभी इससे पहले मैं गया था, अब ये जा रहा है। क्या? तो अभी यहाँ से हम लोग बस लेंगे और एग्जीबिशन सेंटर जाएंगे, वहां से मेट्रो से ही ये जाएगा। तो चलते हैं। अच्छा वाला तो फीलिंग नहीं आ रहा क्योंकि ये चला जा रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है क्यों जा रहा है भाई, लेकिन जाना तो पड़ेगा इसको भी क्योंकि मेरा भी टाइम आया था, मैं भी गया था तो ये था यहाँ, आज मैं जा रहा हूँ, आज ये जा रहा है। खुशी ये खुशी पता है जोमेटो वाला ऐड बंदा नहीं तो फेमस हुआ था वो लग रहा है। स्माइल कीजिए। चलो भाई, ऐसा लग रहा है कि हम भी साथ में चले जाएं, एक बार घूम करके आ जाएं, क्या बोलते हो? एक बार चल जाएं हम भी साथ में, क्या है? एयरपोर्ट नहीं, उधर पर इंडिया। चलो बोल तो दिए इतना, अच्छा चलो। अरे ये क्या, ये लोग देखो निकाल लेंगे सारा बैग इसमें फेंक देंगे। देखो वीकेंड के वजह से, देखो साइकिलिंग करने के लिए लोग यहाँ, साइकिलिंग करने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं भाई। प्रॉपर साइकिलिंग, साइकिल और प्रॉपर ड्रेसअप वगैरह रहता है। देख रहे हो ये सारे लोग अभी साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, पूरा अपना इनका टीम लेके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर तक जाते हैं ये लोग। अभी ग्रीन नहीं हुआ है। अच्छा किधर से इधर जाना है? अरे वही तो बोल रहे, उधर क्यों हम लोग जा रहे हैं? चलो ठीक है, वो उस साइड से चल जाएंगे क्योंकि इसका ना 5-6 गेट है एग्जीबिशन सेंटर मेट्रो का, तो कहीं से भी आप जा सकते हो। तो हम लोग ये इस साइड वाला में जा रहे हैं, ये गेट नंबर पता नहीं 4 है 5 है। अभी तो ऑफिस के सामने है, ऑफिस को ललकारते हुए जा रहे हैं कि ऑफिस तो जाएंगे नहीं, वीकेंड है। ये तुम्हारे दोस्त लोग भी आए हुए हैं, मिल लो। ये सब मेरे को छोड़ने आए हैं। आज मौसम बहुत ही सही लग रहा है, देख रहे हो, सुबह सुबह का बात ही कुछ और है। भाई मेरे लिए इंडिया से क्या लेके आओगे? उम्मीद है। बहुत हरामी लौंडा है ये भाई, कसम से उम्मीद लेके आएगा। भाई क्या लेके आएगा सही में? उम्मीद तुम्हारे जिंदा रहने की। बहुत हरामी लौंडा, ये कुछ नहीं लाएगा, हम समझ गए, ये खुद आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे ये देख रहे हो, ये बच्चे लोग भी साइकिलिंग के लिए भाई जा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ प्रॉपर है नहीं, आज टाइम से जा रहे हैं इसी वजह से, जो मौसम है ना देख रहे हो, मौसम भी हमसे कह रहा है मत जाओ। मौसम तुमसे कह रहा है मत जाओ? जी नहीं, मौसम बोल रहा है पहली फुर्सत में तू निकल इधर से। हम जा ही रहे हैं। उससे काफी गलती से निकल, मजाक वजाक करना चाहिए, गलती से मुझसे निकल, हंसी खुशी रहना चाहिए, हम मजाक कर रहे हैं और कोई ऐसा बात नहीं है, लौट आना ठीक है, ठीक रहेगा, देखते हैं। अलग ऑफिस में भी लोग पूछते हैं भाई तुम आ जाओगे ना, जा रहे हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो इंडिया जा रहे हैं पता नहीं जाके उधर ही रह जाए, नहीं आए
तो इससे कंफर्म कर रहे थे आओगे ना। बोले अरे आएंगे भाई, तू टेंशन ना ले। सोच रहे हैं कि अभी इधर से सब्जी वगैरह कुछ लेके चले जाएं, इस साइड आए हुए मार्केट है तो क्या करें, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगर कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत लेके चले जाएंगे। अगर यहाँ हम लोग मैन एग्जीबिशन सेंटर से मेट्रो लेते हैं तो एयरपोर्ट पहुँचने में अप्रॉक्स 1.5 घंटे लग जाएंगे। 1.5 घंटे तो लग जाते हैं क्योंकि बीच में एक मेट्रो चेंज करना पड़ता है। और कहाँ से चेंज करना पड़ता है भाई? ताइपे से ना, ताइपे मेन स्टेशन से चेंज करना पड़ता है, तो 1.5 घंटा लग जाता है। तो ठीक है, मेट्रो भी ठीक है, जाम वगैरह नहीं मिलेगा। और एक बस भी जाता है बट वो 11 बजे है, वो 1 घंटे में पहुँचा देगा, बट वो 11 बजे है तो भाई इतना लेट कौन जाएगा, तो फ्लाइट मिस होने का भी चांस रहता है। तो बोले नहीं ठीक है चलो मेट्रो से। अभी कितना टाइम हो रहा है? अगर अभी 9:30 भी हो रहा है तो मेट्रो से सपोज 11 बजे तक पहुँच जाएगा तो ठीक है, क्योंकि चेक इन वगैरह भी करना होगा तो अदर फॉर्मेलिटीज़ है, तो पहले पहुँचेगा तो ठीक रहेगा क्योंकि भीड़ भी काफ़ी हो जाती है एयरपोर्ट पर। ये लो अपना सामान, ये लो बैग, और चलो ठीक है मिलते हैं। चलो ठीक से जाना, समझे? चलो मिलते हैं भाई, ठीक से जाना और पहुँच के मेरे को कॉल करना। अभी भी एयरपोर्ट पे रहोगे ही तो कॉल करो, टाइम लगेगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो, अंदर जाते हैं, बाय। ठीक है, कार्ड टच करना ठीक से। पैसा वैसा है ना कार्ड में? अंधा पैसा है ना? ठीक है चल बाय। तो चलो शर्मा तो चला गया। अब सोच रहा हूँ जाते हैं एक बार मार्केट, थोड़ा घूम लेते हैं, पास में आए हुए हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या मिल रहा है, नहीं है कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ताकि उस मार्केट में मुझे घर की तरफ जो है वो दोबारा जाना ना पड़े, क्योंकि इस साइड आया हुआ हूँ तो ले लेता हूँ तो ठीक रहेगा। देखते हैं क्या मिल रहा है, कैसा है क्या सीन। अब तो भाई मुझे 20 दिन अकेले ऐसे ही रहना है, 21-22 दिन जो भी हो वो ऐसे ही रहना। देखते हैं मंथ लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा सीन पता नहीं, क्योंकि मेरे टाइम में भाई मैं भी तो गया था, वो भी था ऐसे ही, तो चलो ठीक है चला जाएगा दिन, कोई दिन ऐसा इशू नहीं है, देखा जाएगा क्या होता है। चलते हैं मार्केट और वैन से भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है उस साइड गए नहीं, तो वैन से भी नहीं मिले हैं, तो एक बार मार्केट खोल लेते हैं। मार्केट से मैंने ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं, थोड़ा बहुत सब्जी लिया, और सोच रहा हूँ बाल कटाता हूँ क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट कल ही ले लिया था। देख लो बट अपॉइंटमेंट मैंने कल ही लिया था, बट दिक्कत यह है कि भाई मैं जस्ट पहुँचा, मैंने पूछा इससे, पूछ रहा था कि अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, तो अपॉइंटमेंट मेरा 10 बजे का है। ठीक है तो अभी थोड़ा टाइम है, तो बैठा हुआ हूँ, वो 10 बजे ही लगता है बनाएगा, देखते हैं थोड़ी देर में वो करेगा ही, तो बाल वाल कटवा लेते हैं। सबसे बड़ा इशू है कि यार पता नहीं इस बार फिर कैसे कट करेगा, हर बार अलग डिज़ाइन कुछ हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता है कौन सा कट मैंने किया था पिछली बार, देखते हैं इस बार कोई होप कुछ अच्छा हो जाए। देखते हैं आज क्या हेयर कट होता है। या ओके क्योंकि ओह माय गॉड, इसी का तो टाइम था आ गया। लेट मी चेक, गिव मी 5 मिनट। यार वो लेडी थी ना, वो बोल रही थी मैं बाल कट कर दूंगी, ठीक है, और वो रेडी भी लिटरली हो गए। मैं बोला भाई बाल तुमसे नहीं कट करवाना है, वो जो बंदा है वो अच्छे से कट करता है, उससे मैं बाल कटिंग लूंगा। तो बोली वो 10 मिनट लगेगा। भले मंजूर है भाई, लेकिन इससे नहीं कटना भाई, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। मैं बोले हेयर कट तो मैं उससे ही कराऊंगा। वो बंदा आ रहा है अभी, बिजी है थोड़ा भाई। ये बंदा आ गया, मुझे लगता है कि बाल थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था यार। मैंने उसे जैसे बताया था, अच्छा चश्मा भूल गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। जो उसे मैं बताता हूँ ना, अब रिजल्ट के बाद कुछ और ही हो जाता है। तो वो एक बार कटाया था मुझे बहुत सही लगा था, उसके बाद से कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा कट क्या है। अब देखो मैंने जो बताया थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाता है क्या है वो अपने लैंग्वेज में, तो कभी ठीक रहता है, और इस बार देखो इतना छोटा बाल हो गया कि मुझे लग रहा है कि ठीक से सेटअप भी नहीं होगा। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, 1 वीक बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है यार, हेयर कट कराने के दिन ना दिमाग ख़राब होता है कि यार पता नहीं कैसा कट होगा आज, नहीं होगा, हर वक्त रिस्की रहता है कि कैसा कट होने वाला है आज। अब जाके बीएड वगैरह घर पे ठीक से बना लेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ से घर जाने में मुझे टाइम लगेगा अभी थोड़ा। चलो मिलते हैं। 5 मिनट में मैं घर पहुँच गया, ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि बात क्या था ना, आज सैटरडे वीकेंड है तो ऑफिस बंद है,
तो रोड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खाली, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगा भाई, मैं टाइम देख रहा था, इतना ज्यादा रोड खाली था कि मैं तुरंत पहुंच गया। चलता हूँ नहा करके, घर वगैरह के साफ सफाई करेंगे और नहा वहा करके देखते हैं कहीं बाहर जाएंगे या फिर देखते हैं पहले कुछ काम कर लेते हैं।